कि एक मिनिस्टर जिहड़ा दो बारी एक जमीन की कंपनसेशन लै गया वो अजकल जिहड़े शार्प शूटर बने रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कित्थे क तक आपां इन्हां नूं लुको लवांगे। उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही प्रकट सिंह जी मांगना चाहे, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल उनसे लें, क्योंकि उनके छत्र छाया में करोड़ों रुपए उनको दिए गए। कितने तक आपां सिलेक्टिव लीकेज करके सिलेक्टिव बंदियां दे डोजियर बना के ते जे हुण तक जे तुहानूं सारियां इन्हां चीज़ां दा पता सी तां फिर आपां कित्थे खड़े। इस प्रकार से बाहर आ करके प्रेस में बयान देता है तो पार्टी उसको गंभीरता से लेगी। वार फिर पलटवार बचा सब कांग्रेस च आपस च हो रहा है। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान ते इंचार्ज दे बयान प्रगट सिंह वल्लों कैप्टन ते कीती सवालां ते इल्जामां दी वाछड़ तो बाद आए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साबका हॉकी कप्तान ते कांग्रेसी विधायक दे इल्जामां नूं खुद सिरे तो खारज कर चुके ने। तीन मैंबरी कमेटी कोल विधायकां ते मंत्रियां बारे किसी भी तरह के डोजियर तो साफ इनकार किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुताबिक उन्होंने अपने सियासी जीवन के दौरान कदे अजिहा नहीं किया। उह भरोसे ते पारदर्शिता दे नाल सरकार चलाउंदे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उंगल चुकी गई तो बचा च नितरे ने सुनील जाखड़। प्रगट सिंह जी ने जिस मंत्री का नाम लिया कि जिसने डबल कंपनसेशन ली है और खुला घूम रहा है, प्रगट सिंह जी को मैं बेनती करना चाहूंगा कि उस मंत्री के ऊपर, राणा गुरमीत सोढ़ी के ऊपर पंजाब सरकार के हुक्म से फ्रॉड का पर्चा दर्ज करवाया जा चुका है और आज नहीं पर्चा दर्ज हुआ, प्रगट सिंह जी के बयान के बाद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर फ्रॉड का पर्चा 30 दिसंबर 2020 आज से 6 महीने पूर्व उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। करोड़ों रुपए 2013-14 में सुखबीर जी के नेतृत्व में उन्होंने लिया, उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही प्रकट सिंह जी मांगना चाहे, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल उनसे लें, क्योंकि उनके छत्र छाया में करोड़ों रुपए उनको दिए गए। 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले अपोजिशन ने क्यों नहीं सवाल उठाया अकाली दल ने, क्योंकि अकाली दल खुद उसके अंदर मिली भगत थी, इसलिए वो उस मुद्दे को उठाया नहीं। कैप्टन साहब ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाया। विपक्ष अपनी भूमिका भूल गई, क्योंकि विपक्ष के खुद की जो चोरी है उसके अंदर सामने बेनकाब। आंकड़े जांचण तथ्य खंगालन की नसीहत दिती गई है, पर कांग्रेस च सलाहां दा असर कित्थे हुंदा है। हाईकमान ने शांत रहण ते बयानबाजियां तो परहेज करन दी सलाह दिती सी, पर कमेटी सामने पेश होण दे बाद भी पंजाब कांग्रेस च इल्जाम तराशियां दा दौर रुकण दा नाम नहीं लै रहा। इस प्रकार से बाहर आ करके प्रेस में बयान देता है तो पार्टी उसको गंभीरता से लेगी। हुण अपने ही अपणियां नूं घेर रहे ने ते फिर भला विरोधी किवें पिछे रहण, इसे लई तंज कसण दा कोई मौका नहीं छड रहे। 40 दी फाइल कैप्टन अमरिंदर सिंह जाके दिल्ली दिखाउंदे ने, इहदा मतलब 50% सरकार करप्ट है। साडे सीएम साहब मुताबक अली बाबा 40 चोर, ते मैं अली बाबा नूं कहना चाहुंदा कि दिल्ली वाली कमेटी कोले वो जिहड़ी करप्शन दी फाइल दिखाउण दा कोई फायदा नहीं, तुसीं कार्रवाई क्यों नहीं करदे उहनां ते। साबका केंद्रीय मंत्री रहे हरसिमरत कौर बादल ने भी कैप्टन सरकार उत्ते हमला बोलिया। ट्वीट च लिखिया, महान कांग्रेस सर्कस जिथे सारे भ्रष्ट एक दूजे ते वरदे ने पर किसे नूं भी सज़ा नहीं मिलदी, क्योंकि ये सारे ही भ्रष्टाचार च ग्रस्त ने। इस तरह कुछ नहीं बदलता, जदों तक उन्हां नूं लुट दा हिस्सा मिलदा है सब ठीक है। कोई भी पंजाब दे शासन च पंजाब दे लोकां च दिलचस्पी नहीं रखदा। चोणां सिर ते ने, कांग्रेस दी लड़ाई भी सिखर ते है। विरोधी सहयोगी सब उलझे होए ने, पर इस सब दे दरमियान अहम ता ए है कि किहो जी सियासत है, इत्थे पंजाब दे लोकां दे हित कित्थे ने, उन्हां नाल कीते होए वादे कदों वफा होणगे।